हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? सो स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हेनेवर आप करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क. जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है. उस टॉर्क का कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन आज इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे साथ. माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर हैं, द प्लेस ऑफ फिजिक्स. अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी. और एज ए मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाता है आई एल बी साइन थीटा. आई एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है, एल आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और बी मैग्नेटिक फील्ड है और आई उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट है. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. ये एक करंट कैरिंग कॉइल है और ये करंट कैरिंग कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है. नॉर्थ है और ये साउथ है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होगी. इससे करंट फ्लो हो रहा है. देखिए, ये रेड कलर का एरो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो कॉयल है इसको हम लोग आर्म में डिवाइड कर सकते हैं. एक आर्म ये होगा ए बी, फिर दूसरा आर्म बी सी, सी डी और डी ए होगा. तो ये एक तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएंगे. ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है. अब हर एक आर्म पर यानी हर एक कंडक्टर पर हम लोग फोर्स और उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कैसे ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है. तो देखिए कैसे. अगर आप इस कंडक्टर की बात करें यानी आर्म ए बी की बात करो तो इस आर्म के लिए फोर आर्म ए बी, अगर आप इस पर फोर्स की बात करें तो इस फोर्स का मान लो F1 है, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा I AB क्रॉस B. I AB क्रॉस B, AB लेंथ है ना, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन अ वेक्टर फॉर्म. अब हम लोग देखते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. तो इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो हम लोग इस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं. अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को देखो तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ए बी के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा देखिए ऊपर की ओर जाएगा, है ना. ये करंट के डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगेंगे. यानी इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स ऐसे अप्लाई होगा ऊपर की ओर, ये फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वन. तो ये जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, अपवर्ड, है ना. ये हम लोगों ने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझ लिया है, बहुत सिंपल है. अब इसको समझने के बाद हम लोग इसके जस्ट अपोजिट कंडक्टर पर चले जाइए. अपोजिट कंडक्टर पर इसलिए क्योंकि जब हम इसके अपोजिट कंडक्टर को देखते हैं, अपोजिट आर्म को देखते हैं, तो लेंथ तो इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज है. यानी यहाँ पर ए से बी है तो यहाँ से सी से डी है. यानी इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन इज सी से डी की ओर है, यानी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है. इसलिए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन अगर ये वर्टिकल अपवर्ड है तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट. मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए,
तो ये हो जाएगा F2 की डायरेक्शन, F2 की डायरेक्शन। तो इसलिए फोर आर्म अगर हम लोग CD की बात करें तो जो CD पर फोर्स अप्लाई होगा F2, ये जो F2 होगा वो होगा I CD क्रॉस B। लेकिन ये जो CD है और ये AB है एज ए वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, एज ए वेक्टर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर CD को आप DC लिखोगे तो यहाँ पर एक माइनस का साइन देना होगा, क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। और क्रॉस बी तो इस माइनस को फ्रंट पे लाइए आई, और ये जो DC है अब देखो एज ए वेक्टर अब देखा जाए तो लेंथ दोनों की सेम है, अब डायरेक्शन भी दोनों की सेम हो गई, इसलिए इस DC को हम लोग AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे आप AB से रिप्लेस कर दो, ठीक है, AB से रिप्लेस कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो ये हो गया वर्टिकल डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया। अब जब ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, इक्वल होगा, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये वर्टिकल इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो क्लियरली दीज टू फोर्स कैंसिल आउट टू इच अदर, क्लियरली दीज फोर्सेस कैंसिल आउट टू इच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यानी एक तरह से F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस आर्म और इस आर्म पर जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो एक दूसरे के वर्टिकल इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पार्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि ये आर्म और इस आर्म पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। अब हम देखेंगे कि इस आर्म और इस आर्म पर क्या इफेक्ट आता है। अगर आप इस आर्म को देखो BC, अब हम लोग फोर्स ऑन आर्म BC पर लेते हैं। तो इस BC पर अगर फोर्स लोगे तो मान लो वो फोर्स F3 है, क्या है F3, तो F3 क्या होगा, F3 की वैल्यू हो जाएगी I BC क्रॉस B। अब इस फोर्स की अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड करेंट तो फोर्स बाहर की ओर, ये फोर्स बाहर की ओर आएगा। तो इस फोर्स को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ये फोर्स है, इसे बाहर की ओर मान लो कि ये जो फोर्स F3 है वो बाहर की ओर है, ये दिस इज द F3 फोर्स, मान लो ये F3 है, ठीक है। तो ये F3, तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो रहा, आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अब जब आप इस आर्म पर बात करोगे तो ऑब्वियस बात है करंट की डायरेक्शन सिर्फ चेंज है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो इसलिए फोर्स की जो डायरेक्शन अगर ये आउटवर्ड है तो ये इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो इनवर्ड हो जाएंगे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, तो उस फोर्स को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं F4, परपेंडिकुलर इनवर्ड फोर्स ऑन आर्म DA। अगर आप DA पर देखो तो F4 की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा I DA क्रॉस B
डी ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस आर्म पर जो फोर्स की वैल्यू होगा आई डी ए क्रॉस बी हो जाएगी। इसकी जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड, एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ, दूसरा परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा। अब ये जो डी ए है, अब इस डी ए को देखिए आप क्या लिखोगे, आई डी ए को आप ए डी लिख दो, ए डी तो माइनस साइन लगाना होगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाइए, इनटू क्रॉस बी, यानी क्रॉस माइनस ए डी क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये जो माइनस है वो बाहर ले लो और ए डी को रिप्लेस कर दीजिए आप बी सी से, कि एज ए वेक्टर दोनों इक्वल हो गए, क्रॉस बी। तो इससे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई और बी, सॉरी अगर आप ये अगर बी सी हो जा रहे तो ये जो बी सी होगा आपका, अब ये हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ थ्री, एफ थ्री। इसका मतलब है कि ये एफ फोर और एफ थ्री भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन ये जो फोर्स है वो पैरेलली इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि अगर ये देखो ये बाहर की ओर है तो ये अंदर की ओर है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलली इक्वल एंड अपोजिट है, क्लियर। तो आप कह सकते हो कि ये जो एफ थ्री है, क्लियरली ये जो एफ थ्री है एंड एफ फोर, ये पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट टू इच अदर, अपोजिट टू इच अदर। अब अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट है, तो हमने पढ़ा है क्लास एलेवेंथ में कि जब दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्वल है और अपोजिट हो, तो वो दोनों फोर्स मिल करके कपल यानी टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों फोर्स मिल करके कपल दैट इज टॉर्क इस कॉइल को प्रोवाइड करेंगे, सो दे गिव्स टॉर्क, सो दे गिव्स, दे गिव्स टॉर्क, ये टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होते हैं, टॉर्क जिसे हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। अब फोर्स आपके पास F3 और F4 है, तो आप दोनों में से किसी भी को ले सकते हो, तो फोर्स को आप लिख सकते हो F3 और F4 में से किसी को भी लिख सकते हैं, तो F3 ले लेते हैं, तो F3 का मैग्नीट्यूड है ना इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस है, इसके लिए एक डायग्राम लेते हैं, और ये आप ले लो, जैसे ये DC है तो DC कुछ ऐसे है, यानी ये DC हुआ, देखिए ये हुआ DC, ठीक है, और ये जो DC है ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल है, यानी बेसिकली क्वाइल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर एक ये जो फोर्स F3 है, उस फोर्स को यहाँ के यहाँ ना दिखा करके यहाँ अगर दिखाएं, तो उसे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हुआ F3, ये हुआ F3, और ये जो F4 है ये F3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, ये हुआ F3,
और ये जो F4 है आप इसको यहां पर दिखा दीजिए, इस एंड पर डी वाले पार्ट पर यहां दिखा दीजिए, ये हो गया F4। ठीक है, तो फोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स का मतलब ये हुआ, इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये है C और ये D है, तो इसे E मान लेते हैं। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस की बात होगी तो वो होगा, देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल देख लीजिए ऐसे, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस CE हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगा CE। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो F3 है और CE, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग निकाल करके यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे F3 है, तो F3 जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F3 क्या है, I, और यहाँ पर है BC, अक्रॉस B है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला डायर ये ले लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो आई है, ये जो आपको दिख रहा है BC, वो बेसिकली लेंथ ऑफ द ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, है ना। तो आप इस लेंथ को आप L लिख सकते हो, L क्रॉस B इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, हम इसे L क्रॉस B ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, L क्रॉस B इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा I L B साइन 90 डिग्री। कैसे हुआ साइन 90 डिग्री, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड और BC की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रिजल्ट ILB। ठीक है, ये हो जाएगा ILB। तो ये F3 की वैल्यू हो गई, और जो CE है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ये है CD, तो CD इसका मतलब हो गया विड्थ ऑफ या ब्रेथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कॉयल है उसकी विड्थ है, उसकी ब्रेथ है। तो आप जो CE है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर आप इन ट्रायंगल CDE है, यहाँ से cos थीटा यूज़ कर लो, तो cos थीटा हो जाएगा CE आर डिवाइडेड बाय CD, यानी CE डिवाइडेड बाय B। तो यहाँ से CE की वैल्यू निकालो, तो CE की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा, B cos थीटा, जो CE की वैल्यू होगा B cos थीटा हो जाएगा। तो F3 की वैल्यू और CE की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन मैं ये बात बता दूँ कि जो थीटा है ये क्या है, ये जो थीटा है ये कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है, यानी जो कॉयल है वो आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल से टिल्टेड है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो कॉयल कुछ ऐसे है, थीटा एंगल से टिल्टेड है, देखिए है ना, तो ऐसे है थीटा एंगल से ये टिल्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो बी है थीटा है वो कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्लेन ऑफ द कॉयल। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि मैं कह रहा हूँ प्लेन ऑफ द कॉयल, यानी अगर मान लो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और कॉयल ऐसे है, तो प्लेन ऑफ द कॉयल, ये प्लेन हो गया कॉयल का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ ये थीटा डिग्री का एंगल बना हुआ ऐसे लाइक दिस, देखिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू F3 और CE की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 बनेगा क्या, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगा, अगर दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो इक्वेशन 1 बन जाएगा, F3 की वैल्यू हमारे पास था ILB, और जो CE है उसकी वैल्यू हमारे पास था B cos थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करो, L और B इसको एक साथ ले लीजिए, L और B इसको एक साथ ले लो,
एल और बी इसे एक साथ ले लीजिए, इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब ये जो एल और बी है ये मिलकर के एरिया बन जाएगा, तो आई और ये हो जाएगा ए, यानी एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कॉइल। तो आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये टॉर्क होगा, आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक सिंगल कॉइल हो, एक ही टर्न्स हो। और अगर मान लो कॉइल है तो ऑब्वियस है देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर n हम लोग मान लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो, अगर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स मान लें, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे सिचुएशन में जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, सो देयर फोर टॉर्क हो जाएगा b i n a cos थीटा। ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू b i n a cos थीटा। नंबर 3 b i n a cos थीटा यानी बना cos थीटा है ना, सॉरी बिना cos थीटा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू b i n a बिना, इसे आप थीटा इज बिना, तो बिना cos थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा बिना cos थीटा। अच्छा, एक और पॉइंट है, तो आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल के बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे आपको जानते हो कि जो हर एक ये कॉयल है तो उसके उसकी एक एरिया भी होगी, तो एरिया है तो उसका एरिया वैक्टर भी होगा। तो हम लोग एक और फॉर्मूला तैयार करेंगे एरिया वैक्टर ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो उसके लिए मान लो कि एक और डायग्राम देखते हैं, हालांकि इसी में ही हम लोग शो कर सकते हैं इसको। तो देखिए, अगर मान लो जैसे प्लेन ऑफ द कॉयल आपका ये था है ना, और प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल से बनी हुई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था है ना। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, उसके साथ ये जो प्लेन है वो थीटा एंगल से है। लेकिन हमें पता है कि हम एज ए एरिया वैक्टर भी प्लेन को देख सकते हैं, तो एरिया वैक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखिए, हमने कुछ ऐसे दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, तो इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे दिखा दिया, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो अगर ये एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा। तो मान लो कि ये जो फाई है वो है एंगल, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर यानी ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इसके बीच का एंगल है फाई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर फाई आप प्लस थीटा लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी या थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और माइनस फाई हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप बिना कॉस थीटा में रख दो, सो देयरफॉर टॉर्क जो होगा वो बी आई एन ए इंटू कॉस थीटा इज रिप्लेस बाय 90 माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन फाइव हो जाएगा, साइन फाइव। तो ये बिना साइन फाइव हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज यहाँ देखो, अगर पेपर में आएगा तो आप यहाँ तक भी डेरिवेशन छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आई है, एन है और ए है, ये कैपिटल एम, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट। क्योंकि जब किसी कॉइल से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो इसलिए उसकी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी जिसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहेंगे, ये आगे के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो इस बी आई एन ए इसकी वैल्यू एम होगी, इसका आप यहाँ रख दो,
तो जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा बी इंटू एम इंटू साइन फाई। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। और इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप इसको एम क्रॉस बी लिख सकते हो। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी। तो ये भी टॉर्क फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला देखा, एक बिना कॉस थीटा, वो फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल हो। बिना साइन अल्फा तब यूज करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ हो। और ये है वेक्टर फॉर्म, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहाँ एम जो है वो आई एन ए यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द क्वाइल कहलाएगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक ये था हमारा टॉर्क एक्सप्रेस बाय करेंट कैरिंग क्वाइल व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली इसका इसके पर न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, और इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हम लोग मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रोटेट करने लगेगा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो उस टॉर्क के कारण वो रोटेट करने लगेगा। तो इसका यूज़ हम मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में भी करते हैं, इसके यूज़ हम लोग मोटर में भी करते हैं कि मोटर में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वहाँ पर भी क्वाइल होते हैं, वहाँ पर भी करंट फ्लो कराए जाते हैं, तो उससे जो क्वाइल होती है वो रोटेट करने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।